that I'm not going to leave this man till you give me some compensation because he's under my... He is under my grasp. Dil? ये तुम क्या कर रहे हो? अखबार पढ़ रहा हूँ. तुम ठीक तो हो? क्यों? मैं अखबार नहीं पढ़ सकता? नहीं, लेकिन पहली बार देख रहे हो तुम अखबार पढ़ते हुए. हाँ, तो पहली बार पढ़ रहा हूँ ना. हाँ, वो तो देख रही हूँ. अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग ताजा खबर पढ़ के सुनाओ मुझे. है ना, एक एक बहुत बड़ी हस्ती को कुछ आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है. वो तो बासी खबर है. आतंकवादी तो रोज किसी न किसी को किडनैप करते हैं. हाँ, अगर कोई आतंकवादी किसी को छोड़ दे वो ताजा खबर होती है. अच्छा, ऐसी पूछ रहा हूँ, बताओ अगर मुझे कोई किडनैप कर ले तो तुम क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? मैं केको जी के घर रहने लग जाऊंगी. क्यों? कोकी जी से कुकिंग सीखनी है. तो मजाक मत करो, सीरियसली बताओ ना, अगर मुझे कोई किडनैप कर ले तो तुम क्या करोगी? बोलो ना, बोलो ना. दिल, तुम्हें कौन बेवकूफ किडनैप करेगा? किडनैप तो सिर्फ बड़ी हस्तियां होती हैं और तुम तो जाने दो. दिल सुनो, चक्रवर्ती दादा के सेट पर आ जाओ और उनसे कह दो मैं शूटिंग नहीं कर सकती. ऐसी वाली सर, मैं यही हूँ. कहाँ है प्रेमा जी? सर वो आती होगी ना. क्या आती होगी सर, उसके आने से भी क्या फायदा? क्यों? जब तक ये पुलिस वो काले कौवे को नहीं पकड़े शूटिंग नहीं शुरू होने वाली. सर आप रिलैक्स कीजिए ना, तीन चार घंटे. तीन चार घंटे? अरे प्रेमा जी को तैयार होने में भी तीन चार घंटे लगते हैं. सर वो आ जाएगी, रिलैक्स. सर सर मैं चाय मंगवा. अरे वाह, नाइस ड्रेस है, वेरी गुड. धक्का क्यों मार रहा है वे? हाँ, जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे प्रेमा शालिनी का गेस्ट हूँ. अच्छा ये बात है. देख बेटे, तेरे को इस फिल्म से निकालता हूँ. देख मेरे को धक्का मारता है. यार कमाल है, कैमरा गिरा गया. दिखता है ये जूनियर आर्टिस्ट को बात करने की तमीज नहीं है. ये जूनियर आर्टिस्ट नहीं है. तो कौन है? ये इंस्पेक्टर है, सच्चा इंस्पेक्टर. दादा दादा सॉरी है, सॉरी दादा. लेकिन ये सच्चा इंस्पेक्टर यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, स्टूडियो के अंदर एक काला कौवा नाम का गुंडा है ना, घुस गया है, उसको पकड़ने के लिए आए हैं. ओह अच्छा अच्छा. एनीवे सर, प्रेमा जी आ गई क्या? तुमको क्या है? नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ, आ गई? नहीं आई अभी. तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूँ. कीजिए कीजिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ. एक्सक्यूज मी, आई एम कंफर्टेबल सर. भाई साहब आप यहाँ 5 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ. शिरकट. यस बॉस. यही है ना वो? हाँ यही है वो, प्रेमा शालिनी का हस्बैंड. कितने का असामी होगा? कम से कम 20 लाख का तो होगा बॉस. उसका गेम कर डाले बॉस. की बोले बंदूक की गोली. आपकी फ्रेम वेम सब ठीक है सर? ठीक है सर. अरे दिलरुबा जी, आप अकेले आए, प्रेमा जी कहाँ है? प्रेमा जी कहाँ है? प्रेमा जी आज नहीं आ पाएंगी. चिकट. यस बॉस. चल उस टैक्सी वाले के कपड़े उतार दे. ओके बॉस. लेकिन आपका शॉट क्या है? शॉट ये है कि मैं प्रेमा जी को कैच करता हूँ. हाँ. तो कैच करता हूँ तो उसको पेनिंग में लेके आता हूँ. हाँ. लेके आता हूँ, लेके आता हूँ, लेके आता हूँ, लेके आता हूँ, लेके आता हूँ और छोड़ देता हूँ. मैं विक पहन लूँ? मजाक करते हैं आप. तो आप एक काम करो ना. हाँ. आज आप लॉन्ग शॉट ले लो. हाँ. कल आप मिड ले लो ना, और परसों क्लोज. अरे वेरी गुड आइडिया. लेकिन प्रेमा जी आनी चाहिए थी ना. अबे डायरेक्टर कौन है? वो है तू है. चलो अभी ड्राइवर घर ले लो. कौन हो तुम? बॉस को नहीं पहचाना? नहीं. इसे काला कौवा कहते हैं, ब्लैक क्रो. और मैं हूँ चिरकोट. और सुन, जरा मुझे भी बोलने दो. चुपचाप हमारे साथ चलो. बचाओ, बचाओ! साहब साहब, आपके पास वो मोटा साहब आया था ना. हाँ. उसको 2 घंटे उठा कर ले गए. हाँ. मेरी टैक्सी भी ले गए, कपड़े भी ले गए साहब. चोर चोर. यानी कि दिलरुबा के बच्चे को काला कौवा उठा के ले गया. क्या बात है, गुड न्यूज. हिलना नहीं, आवाज नहीं करना. अरे सलाम करो यार, तुम यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है. बैठो इसे इधर, बैठो इधर. रस्सी ले आओ. यस बॉस. रस्सी खाने के लिए? तुम्हें बांधने के लिए. अरे
बांधने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगा? हिंदी फिल्मों में ऐसा ही होता है, आप देखते नहीं हिंदी फिल्म में क्या, आपको तो कुछ भी नहीं पता। अच्छा, ठीक है, चुप बैठो, बातचीत बंद, मुंह बंद रखो। मुंह कैसे बंद रखूं, अभी तो मेरा खाने पीने का टाइम हो गया ना। पीने का टाइम मतलब? अरे आप मेरे स्पॉन्सर हैं। स्पॉन्सर? यानी कि आपने मुझे किडनैप किया है तो आप ही खिलाएंगे ना। अच्छा ओके ठीक है, क्या खाओगे बोलो? एनीथिंग लाइट। अच्छा ठीक है, इसके लिए तो पापड़ ले आओ। इतना लाइट नहीं, थोड़ा हैवी, सैंडविच, समोसे, पकौड़े, बिरयानी। बस हैवी होता जा रहा है, बहुत हैवी होता जा रहा है। इसके लिए दो सैंडविच और पैटीज ले आओ। बॉस पैसे दो। हेलो, क्या प्रेमा शालिनी जी बात कर रही हैं? आप मेरी आवाज नहीं पहचानते क्या? नमस्ते, आप कौन जी? मैं एक बहुत बड़ा बदमाश काला कौवा बोल रहा हूँ, ब्लैक किरो। ब्लैक क्रो, मिस्टर ब्लैक क्रो, फिर आप बोल कैसे सकते हैं? आपको तो काउ काउ करनी चाहिए। देखिए मजाक बंद कीजिए, आपके पति हमारे कब्जे में है। अच्छा? हाँ, हमने उसे किडनैप किया है। वेरी अच्छा, थैंक यू सो मच मिस्टर ब्लैक क्रो, वरना मैं अपने किसी फ्रेंड से बोलने वाली थी कि उसे किडनैप कर ले। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप उसे बात कर लीजिए। इधर आ रहे। हेलो, होल्ड कीजिए, लाइन काटना मत। बात करो। हेलो, हाय दिल, हाउ आर यू? मैं यहाँ काफी मजे में हूँ। यकीन आया? अब कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपको अपने पति को जिंदा देखना है तो कल शाम तक यहाँ पर 20 लाख रुपए ले आइए। 20 लाख? क्या कर रहे हो यार? Hold on. मेरी कीमत खाली 20 लाख रुपए लगा रहे हो तुम? हेलो, 25 लाख रुपए ले आइए। 25 लाख? एक मिनट, कम से कम राउंड फिगर तो करो, 50 लाख। हेलो, 50 लाख रुपए ले आइए यहाँ पर, वरना हम आपके पति को जान से मार डालेंगे। वेट मिस्टर ब्लैक क्रो, उसे गन से शूट कीजिएगा प्लीज, आपको इतना लंबा चाकू नहीं मिलेगा जो उसके मोटे पेट में चले जाए। हेलो, उन्होंने लाइन काट दी, कमाल है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करती। नहीं, परवाह तो बहुत करती है, शी लव्स मी, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे फिर तुमने अपने प्राइस 50 लाख तक बढ़ा के क्यों रखी? अरे कमाल कर रहे हो, अगर मेरी प्राइस मैं खुद नहीं बढ़ाऊंगा तो और कौन बढ़ाएगा? फिल्म लाइन में ऐसा ही होता है। सलाम नहीं करोगे ना? मत करो, कोई सिस्टम ही नहीं इन लोगों की। उठो, अबे उठो। क्या है, सोने दो ना मुझे। अरे यहाँ परेशान मैं घूम रहा हूँ, तुम सो रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी? क्या किया उसने? मुझे नहीं लगता वो 50 लाख रुपए लेकर आएगी। तुमने फोन पे कह दिया ना कि मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, I'm very comfortable doll। तो जो भी होगा सुबह देखेंगे। क्या सुबह देखेंगे? देखो वो तभी आएगी जब तुम उसे कहोगे कि हम तुम्हें मार रहे हैं, हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं, हम परेशान कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। ऐसा उसे कहो कि मैं परेशान हूँ। तुम्हें 25 लाख रुपए चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। क्या नंबर क्या है मेरा? एक मिनट। ठीक है, याद आ गया। देव फोन उठाओ ना। देव फोन उठ। हेलो डॉल, मैं बोल रहा हूँ दिल। दिल मजाक बहुत हो गया, घर वापस आ जाओ बस। ये लोग मुझे मार रहे हैं। बिशम आ, बिशम आ, मुखा मत मारो। मारो। यकीन आया आपको? सुन लिया आपने? अब मैं एक बार और कह रहा हूं, कल शाम तक अगर 50 लाख रुपए लेकर आप यहाँ नहीं आई तो हम आपके पति को शूट कर देंगे। वेरी फनी, शूटिंग कहाँ है, कितने बजे है, मुझे फोन करके बता देना, लेकिन रात को फोन नहीं करना। गुड नाइट।
अरे यार कमाल की बीवी है तुम्हारी, अभी तक उसे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन आएगा कैसे? जब केकू उसे बताएगा। हेलो कोकी जी। और दिलरुबा जी इतनी रात क्यों फोन किया? दरअसल मैंने आपको इसलिए फोन किया कि मेरा किडनैप हो गया है। ये क्या कोकी, तुम आधी रात को टेलीफोन के साथ खेल रही? चुप केशु, दिलरुबा जी को किसी ने किडनैप किया है। हाँ तो पता है मुझे। क्या? नहीं नहीं मतलब वो मजाक कर रहा होगा। नहीं नहीं वो बेचारे रो रहे हैं फोन पर देखो। अच्छा चुप। हेलो हेलो दिलरुबा जी आप सच कह रहे हैं? आप फौरन जाइए डॉल के पास और उसे कहिए कि कल शाम तक 50 लाख रुपए का इंतजाम कर ले वरना। 50 लाख? 50 लाख? लाओ फोन लाओ। ए दिलरुबा क्यों हमारे साथ मजाक कर रहा है? चल सो जा सो जा। केशु केशु ये मजाक नहीं है। हाँ। मुझे लगता है वाकई उसको किसी ने किडनैप किया है। अरे क्या मुसीबत किडनैप करके लाया हूँ मैं, किसी को इसकी परवाह ही नहीं है, ऊपर से खाए जा रहे हो अलग। चिरकुट इसको वापस भेज दे क्या? नहीं 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 मुझे कल शाम तक यहाँ रहने दो। क्यों? क्योंकि मुझे पहली बार बिना बनाए खाने का बड़ा मजा आ रहा है। का बच्चा पहले मेरे साथ मजाक करता है और फिर इतनी रात को दे। अरे चक्रवर्ती दादा आप? प्रेमा जी गजब हो गया। क्या हो गया? गजब हो गया प्रेमा जी। क्या हो गया? अरे वो काला कौवा नाम का गुंडा है ना, उसने दिलरुबा जी को किडनैप कर लिया। चक्रवर्ती दादा दिल ने आपको भी उल्लू बनाया। मुझे उल्लू नहीं बनाया, मेरे सेट पर से उनको किडनैप करके ले गया। क्या दिल किडनैप हो गया और आप मुझे अब बता रहे इतनी रात को? पुलिस ने अभी मुझे छोड़ा, मैं क्या करूं? पुलिस ने आपको? हाँ? क्यों? क्योंकि हमारे सेट पर से किडनैप हो गए तो पुलिस को लगा मेरा हाथ है उसमें। अब बताइए मेरा हाथ हो सकता है? चक्रवर्ती दादा एक बार बताइए आप क्यों रो रहे हैं? रोना तो मुझे चाहिए ना। हाँ। दिल इडियट किडनैप हो गया। अरे कैसा बेशरम आदमी है ये, सुबह के 8 बज गए और अभी तक सोया हुआ है। इनके लैब में कोई सिस्टम? ए चिरकुट ये अपने तो कहाँ चले गए? चले गए, कल का पर डे नहीं दिया ना होटल वाले ने, एक दिन में 350 का बिल बनाया, मेरे को मारा है। अरे यार ऊपर से परेशानी, इसकी बीवी पैसे लेकर आएगी कि नहीं? ए बॉस एक काम करो ना, फिर से ट्राई मारो। क्या? अरे वो प्रेमा उसकी बीवी को फोन करो ना। तुम कहो, तुम कहो। प्रेमा जी रोइए मत, मैं हूँ आपके साथ, मैं। लेकिन मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। मेरा टेलीफोन कॉल्स कौन अटेंड करेगा? मैं करूंगा प्रेमा जी। अरे कपड़े कौन धोएगा? अरे वो भी मैं। नहीं कपड़े हम धोबी को देंगे। हाँ धोबी को देंगे। ओके हेलो मैं काला कौवा बोल रहा हूँ। काला कौवा कौन से पेड़ से? काला कौवा। हेलो मिस्टर ब्लैक क्रो। मैडम फिर से एक बार सोच लीजिए। मैंने सोच लिया मिस्टर ब्लैक क्रो, लेकिन आपकी डिमांड्स एग्जैक्टली क्या है मैं भूल गई। मैडम कितने बार बताने का, 50 लाख रुपए और वो भी आज शाम तक। 50 लाख याद आया। 50 लाख? बार्गेनिंग कीजिए बार्गेनिंग कीजिए। ओके बार्गेनिंग कैसे करते हैं? मुझे दीजिए। ओके देखो काला कौवा तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मतलब 50 लाख उस आदमी की वैल्यू नहीं है। कहिए मत। 50 लाख में तो ऐसे 50,000 नंग मिल जाएंगे, देने का भाव बोलो। अच्छा बोलो तुम लोग कितना दे सकते हो? हम तो 50,000 देंगे और वो भी रिक्शा का भाड़ा तुम्हारा रहेगा। रिक्शा का भाड़ा मैं दूं? ए बॉस अपन तो उसको टैक्सी में लाए थे। सुनो 20 लाख से एक पैसा कम नहीं लूंगा मैं। पट गया प्रेमा जी, पट गया। सिर्फ 20 लाख रुपए में पट गया। 20 लाख रुपए? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? आप फिक्र मत कीजिए प्रेमा जी, मैं हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। कितने अच्छे हैं किशोर जी। प्रेमा जी इस वक्त आपके पास कितने पैसे हैं? बाकी के मैं जुटाता हूँ। 5,000। अमित दिलबुरा अंकल को क्या हो गया? कुछ नहीं उन्हें गुंडे उठा कर ले गए। अरे रे रे तो फिर वो बीमार पड़ गए होंगे ना? कौन दिलरुबा अंकल? नहीं नहीं गुंडे। केशु क्या हुआ, तुम क्यों इतने थके हुए लग रहे हो? क्या करूं कोकी मेरा बैड लक ही खराब है। क्या मेरा लक ही खराब है। क्यों क्या हुआ?
कुकी हा? तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? कुछ पैसे क्यों? नहीं, वो प्रेमा जी ने थोड़े पैसे उधार मांगे हैं। थोड़े यानी कितने? 20 लाख रुपए। 20 लाख थोड़े हैं? क्या करे, दिलरुबा जी को गुंडों से जो छुड़वाना है। तो जिम्मेदारी तुमने उठाई है? अब वो हमारे पड़ोसी है, हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? अच्छा, फर्ज निभाओ, मगर फर्ज निभाने के बाद तुम उनके पड़ोसी नहीं रहोगे। मतलब ये है कि 20 लाख जुटाने के लिए तुम्हें ये फ्लैट बेचना पड़ेगा। हेलो। नमस्ते बहन जी। बहन जी कौन बोल रहे हैं? कितने बार बताऊं, मैं काला कौवा बोल रहा हूँ। काला कौवा? हाँ, मुझे दो। तुमने कौओं के साथ भी दोस्ती बना ली? बोलो काला कौवा, कौन बोल रहा है? मेरी भारी आवाज को भी नहीं पहचाना? अरे मैं केशव कुलकर्णी बात कर रहा हूँ। सॉरी, आवाज नहीं पहचानी आपकी, सॉरी। नहीं, प्रेमा जी ने आपका नंबर दिया था, इसलिए मैंने फोन किया। मैंने उसको कहा था। बोलो। सुनो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किडनैप को मार डालूं या 20 लाख रुपए लेके आ रहे हैं शाम को? देखो काला कौवा, मेरे पास 20 लाख रुपया नहीं है, कुछ कम होता है तो बोलो। एक पैसा कम नहीं होगा। हाँ तो फिर एक काम करो, थोड़े दिन रुक जाओ। कितने दिन? 10-15 साल। 15 साल के अंदर ये आदमी बेच के खा जाएगा हमें। तो एक काम करो काला कौवा। हाँ बोलो। कहीं से एक बड़ा पत्थर लेकर आओ। हाँ। उस पत्थर को रस्सी लगाओ। हाँ अच्छा ठीक है। उस रस्सी को दिलरुबा के गले पर बांधो और उसे पानी में फेंक दो। दिलरुबा जी को पानी में फेंकने के लिए कह रहे हो? अरे उसे पानी में नहीं फेंकवाए तो मुझे डूबना पड़ेगा। हेलो। सुनिए, फोन मत रखना प्लीज। हाँ बोलो। मैं क्या कह रहा था कि 5 लाख कम कर देते ना, 20 नहीं 15 लाख सही। देखो 15 लाख भी नहीं है, वो भी ज्यादा है। अरे नहीं, आपको लग रहा है ज्यादा है करके। देखिए आजकल की महंगाई कितनी हो गई है, ये ज्यादा नहीं हुआ ये? काला कौवा, वो भी हमको नहीं परवड़ता। चलो 10 लाख करते हैं। 10 लाख? नहीं 10 लाख भी नहीं परवड़ेगा। और यहाँ फोन मत करना। नहीं सुनो प्लीज, फोन मत रखना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप यहाँ आ जाइए ना, हम लोग टेबल पे बैठ के 1-2-3 कर डालते हैं। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा ऑफिस, आई मीन तुम्हारा अड्डा कहाँ है? ऐसा करिए, नेशनल पार्क आ जाइए और किसी को भी पूछ लीजिए काला कौवा कहाँ मिलेगा, वो बता देगा। हाँ आना जरूर। हाँ मेरे दोस्त, एक बात बता। बोलो। बंदूक की गोली पेट में जाने से बहुत दर्द होता है क्या? मुझे अब तक तो इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पिताजी पेट में गोली जाने के बाद भी जिंदा रहे थे। अच्छा, वो कैसे? वो गोली निकल गए थे ना। अबे गोली निकलनी हो तो मैं भी निकल सकता हूँ, एक क्या 10-10 निकल सकता हूँ, या तो गोली पेट में घुसने का सवाल है। क्या बात है? रुक ले, आज शाम को मैं एक खतरनाक गुंडे को मिलने जाने वाला हूँ, उसका नाम है काला कौवा। मिले किरो। किस लिए? अबे उस गुंडे ने वो दिलरुबा को किडनैप कर लिया है। नहीं वो तो बरोबर है, लेकिन वो प्रेमा जी ने कहा तो उसको छुड़ाना पड़ेगा ना, मेरा फर्ज जो बनता है। ये भी है, तो क्या तुम अकेले जाओगे? तुम चलोगे मेरे साथ? ऑफ कोर्स। आओगे? थैंक यू वेरी मच कोकी, थैंक यू। बिलेक किरो, तुम कुछ भी कर लो, मैं आ रहा हूं। गोखले, अड्डा यहीं पे कहा था ना? हाँ केशव, तुम आगे जाओ, मैं यही खड़ा रहता हूँ। नहीं जाओ? लेकिन हम लोगों ने तो डिसाइड किया था हम दोनों साथ में जाएंगे। हाँ लेकिन अब स्टोरी जरा चेंज हो गई। यार तो स्टोरी बहुत चेंज करता है। ओके मैं जाता हूँ, लेकिन सुन गोखले, अगर मुझे कुछ हो गया तो कोकी को कहना मेरी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है ना वो कबोर्ड के ऊपर के खाने में। ओके मैं जाता हूँ। तू ऐसे जाएगा? तो ऐसे जाएगा तो वो तुझे गोली से उड़ा देगा। बेरिंग। तो ऐसा बोलना। मैं आ गया हूँ काले कौवे। देखो जी, आप तो वाकई आ गए, आप इतने बहादुर हैं। सॉरी मैं आपका इंट्रो करा दूं, ये है कोकी जी के हस्बैंड केकू जी, ये है इस एरिया के मशहूर बदमाश काले कौवे काका। हेलो कौवे। बोलो केकू, माल लाए हो? माल? अरे मैं तो रुमाल भी नहीं लाया तुम्हारा पसीना पोंछने के लिए। ठीक है, धंधे की बात करो। तुम करो। मैंने कह दिया फाइनल ऑफर 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया? अरे ये डिस्काउंट दे रहे हैं। अरे काहे का डिस्काउंट, ये 10 लाख इसका कौन देगा, इसमें रखा ही क्या है, अरे खोखला है खोखला। देखा? ठीक है फिर तुम भाव बोलो। ऑलराइट, 250 है। 250 के? अरे 500 रुपए का तो इसका खाने का बिल हो गया, 50-60 रुपए मेरे फोन के घुस गए। टैक्सी से लाया मैं इसे। चाय कॉफी में तो कितना पिया, लस्सी मांग रहा ऊपर से। ऑलराइट, लेट मी हैंडल दिस। फाइनल
1000 रुपया दूंगा, वो भी चेक लेना पड़ेगा, बोलो है मंजूर वरना गोली मार दो। कमाल कर लेते मुझे आप यहाँ मुझे छुड़वाने आए हो कि मुझे बनवाने आए हो? शराब जानते हो तुम्हारी वजह से प्रेमा जी कितनी अपसेट है। अच्छा सुनो सुनो, मैं एक फाइनल ऑफर देता हूँ। बोलो। हाँ 5000 देना वरना ये बॉस इधर है। इधर देखो जी ये गोली, इसमें गोली भरी हुई है, ये पिस्तौल मुझे मालूम है। 10 मिनट के बाद आता हूँ। सुनो 10 मिनट में जरूर वापस आना वरना बाहरी गोली की आवाज सुन लेना। ओके। अरे कुछ इतने शाने क्यों बन रहे हो यार, अगर मैं मर गया तो फिर मेरा क्या होगा? कोकले कोकले मेरे से ये क्या हो गया यार, मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अरे यार वो तो 5000 मांग रहे हैं, मैं सब सुन लिया है, लेकिन अब 10 मिनट में 5000 कहाँ से लाएंगे? केशव तू एक काम कर, ये बैग ले जा, उसे दे दे और कह दे अंदर 5000 है। लेकिन इसमें है? तू सिर्फ बोल। चलो के जाता हूँ। वापस ऐसे ही जाएगा तो? ओ कौवा, ये ले गिन के ले, पूरे 5000 है। ओए, तुम हो कौन? मैं सफेद बगुला। बगुला जी आप? बगुला? हाँ, सरकार ने मुझे पकड़ने के लिए 20 लाख का इनाम रखा है। 20 लाख? अपने से ज्यादा यार। ओए, तुम्हारा सीनियर है, सलाम कर। ओए, हिलना नहीं, अंदर बम है, हिलने से फटने वाला बम। चलो चलो चलो, हिलना मत। चलो काला कौवा बाय। दिलरुबा जी आपका 50% तो ले लो। नहीं नहीं तुम पूरा रखो। बच गए। गोखले गोखले यार, तेरे दिमाग में ये बॉम्ब की स्कीम कहां से आई? मैं तो डर गया था, कहीं उसमें असली बॉम्ब तो नहीं था। अरे यार असली बॉम्ब मेरे पास कहां से आएगा, मैंने तो अंदर नारियल रखा था।